हेलो फ्रेंड्स, मैं अभव वाजपेयी हाजिर हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले टॉपिक के साथ। हम लोगों ने जैसा कि बात किया था कि आज नए टॉपिक पर चर्चा होगी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए, एम्पियर ने ये बताया था, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कि अगर कोई बंद परिपथ है तो किसी बंद परिपथ में ये उसकी सीमा के अनुदिश, ऐसा कह सकते हैं आप, जैसे ये एक आपका क्या है, कोई तार है, या ये आपका कोई एक क्षेत्र है जिसमें ये आपका कोई तार है, ये इसका केंद्र है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो तार है, इस तार में आई धारा यदि क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर कहीं भी अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का वह रेखीय समाकलन सदैव इस परिपथ के द्वारा घिरी नेट धारा के म्यू नाट गुने के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप इस प्रकार समझ सकते हैं, बंद परिपथ का रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नाट इंटू आई, म्यू नाट आई का मतलब आई का म्यू नाट गुना। तो इस प्रकार से हमारा परिपथ जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो क्या कहता है, कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस क्षेत्र के द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। और गणितीय रूप में बात करें तो ये आपका रेखीय समाकलन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। अब हम क्या करते हैं, इस नियम को आप प्रूफ करते हैं, इस नियम का ये बराबर ये कैसे आएगा, इस बारे में हम परिचर्चा करते हैं। तो हम मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये आपका कोई जो है एक आर त्रिज्या का पथ है, वृत्तीय पथ है, और इससे आर दूरी पर, चूंकि इसकी त्रिज्या आर ही होगी, तो ये कोई बिंदु आपका क्या हो जाएगा, बिंदु पी। तो बिंदु पी पर इसके कारण बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होगी उसकी दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डी बी इधर हो जाएगी, स्पर्श रेखीय दिशा में। और इस पर यदि हम एक कोई लघु अवयव ले लें, इसी क्षण इस पर जो परिध पर हम कोई एक लघु अवयव डी एल ले लें, लघु अवयव डी एल की जो डायरेक्शन होगी वो भी आपकी किधर होगी, बी की ओर ही होगी, अर्थात इस लघुखंड डी एल की डायरेक्शन और ये जो चुंबकीय क्षेत्र डी बी है, इनकी दिशाएं क्या हैं, समान हैं। और दिशाएं समान होने का मतलब, जैसे ये इस डायरेक्शन में गया है तो दूसरा भी अगर इसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर अलग डायरेक्शन में जाता है, ये इधर गया है, ये इस डायरेक्शन में जाता, तो इनके बीच कुछ ना कुछ कोण क्या होता, बनता। मगर जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कोण, ये लाइन इसी पे आ जाएगी, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कोण नहीं बनेगा, मतलब इनके बीच का कोण थीटा बराबर हमें क्या लेना होगा, शून्य लेना होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका कोई लंबा तार है, इसको इस बंद पथ ने घेर रखा है, और इसमें धारा कितनी दी हुई है, आई दी हुई है। तो अब आइए हम चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। तो सबसे पहले इस चित्र के बारे में हम कुछ लिख देंगे कि माना आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ से एल लंबाई का एक तार घिरा है, जिसमें ऊपर की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है, अतः O के कारण P पर
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए ये जो वृत्तीय पथ होता है इसके कारण इस पर या इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, पीछे हम लोगों ने इसका प्रूफ किया है, वो आपका क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट आई और अपॉन में क्या होता है, टू ए होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए होता है, सॉरी टू पाई ए हो जाएगा। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि चूंकि ये आपका बी और डीएल की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो पृष्ठीय समाकलन या रेखीय बंद पथ का रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन बी डीएल कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि थीटा का मान चूंकि क्या है, जीरो है, तो बंद पर पृष्ठ का रेखीय समाकलन ये बी डी एल कॉस क्या हो जाएगा, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि थीटा बराबर क्या है, शून्य है, तो ये आपका हो जाएगा बंद पथ का रेखीय समाकलन बी डी एल के बराबर। अब देखिए बी तो आपकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू तो रखेंगे और रेखीय समाकलन हम किसका कर देंगे, डी एल का। अब ध्यान दीजिए जरा डी एल का जो रेखीय समाकलन होगा उससे संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए रेखीय समाकलन, समाकलन का मतलब मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, समाकलन का मतलब होता है कि जो छोटा सा सूक्ष्म भाग हमने लिया है उस जैसे सभी छोटे छोटे भागों का कुल योगफल। तो इसको देखिए ये परिधि कैसी है, वृत्तीय परिधि है, इसका ये भाग क्या है, डीएल, तो ऐसे डीएल सारे भाग, इस पर अगर आप ऐसे छोटे छोटे भाग करेंगे तो बहुत सारे डीएल यहाँ पर आपको क्या होंगे, दिखेंगे, ये भी डीएल, ये भी डीएल, ये भी, ये भी, तो इस प्रकार से समस्त डीएलों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें इस वृत्त की क्या मिल जाएगी, परिधि मिल जाएगी, और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, टू पाई आर, और यहाँ पर त्रिज्या भी आर है, तो ये टोटल इनका डीएल 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 जब इनको जोड़ेंगे अर्थात डीएल का हम रेखीय समाकलन करेंगे तो हमें इस वृत्त की परिधि प्राप्त होगी जिसका मान 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये b का मान क्या हो जाएगा, ये समीकरण आप मान लीजिए इसे 2, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रख देंगे, मान रख देंगे, तो समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, तो ये मान रखने पर आपका क्या हो जाएगा, b डॉट dl, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, b का मान आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 2 पाई, देखिए इसकी त्रिज्या हमने r ली थी यहाँ पे, इसलिए a की जगह हम क्या कर देंगे, r कर देंगे, तो ये 2 पाई r हो जाएगा। और तो इस प्रकार से देखिए ये आपका b डॉट dl ये काहे का मान हो गया, b का मान हो गया, इस b का मान हमने ये रख दिया, और ये क्या है, बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन dl। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि बंद पृष्ठ का जो रेखीय समाकलन है वो इस वृत्तीय पथ के लिए किसके बराबर होगा, इसकी परिधि की, और जिसका मान क्या होता है, 2 पाई r, तो अतः मान रखने पर, तो ये मान रखते ही हमें हमारा प्रूफ क्या होगा, ओवर हो जाएगा। तो ये हो गया भैया बंद पाथ बी डॉट डी एल, और ये डी एल है, ये ध्यान रखिएगा आप, और इज इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और इनटू में भी ये आपका डी एल का जो रेखीय समाकलन है वो भी कितना हो जाएगा, 2 पाई, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिला हमें, b डॉट डी एल बराबर हो गया म्यू नॉट आई। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, और ये देखिए यही प्रूफ है जो हम लोगों ने गणितीय रूप में लिखा था। तो इस प्रकार से हमारा जो है एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसका प्रूफ ओवर होता है। जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।